नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नौ पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहा था पाकिस्तान की किसी तरह से रसिया का जो चीप ऑयल है वो खरीद सके, लेकिन खरीद नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ का दबाव था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने फाइनली एक डील कर दी कि 1,00,000 टन जो रसिया का ऑयल है वो खरीदेगा, और ये फाइनल भी हो गया। 11 जून को एक शिपमेंट पहुंच भी गया कराची में 45,000 टन लादकर ऑयल। लेकिन अब इसमें कुछ बात ऐसी आ गई है कि जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। खलबली इस वजह से मची हुई है क्योंकि जो उनकी नफरत है टूवर्ड्स इंडिया, उसी वजह से खलबली मची हुई है। इसमें कुछ ऐसा नहीं हो गया कि जो उनको बुरा लगना चाहिए, लेकिन अब बुरा लगने वाली बात उनके लिए है। हुआ क्या कि जो रसिया का क्रूड ऑयल है उसकी बेस्ट रिफाइनरी जो है वो भारत के गुजरात में लगी हुई है, और पाकिस्तान के पास तो ये तामझाम है नहीं कि रसिया का क्रूड ऑयल खुद से रिफाइन कर लें। तो रूस ने क्या काम किया, एक प्योर व्हाइट नाम की जहाज थी जो यूएई में रजिस्टर्ड थी, यानी यूएई की एक कंपनी थी, उस कंपनी की एक जहाज थी प्योर व्हाइट नाम की। उसमें क्या काम किया कि 6 से 8 जून के बीच में क्रूड ऑयल लदवाया रसिया का ओमान के जल क्षेत्र में खड़ी करके, क्योंकि ओबियसली सीधा रसिया से नहीं लदवाया, और उसके बाद में उसको भेजा ईरान, ईरान से भेजा फिर ओमान, ओमान से फिर भेजा इंडिया, और इंडिया में वो क्रूड ऑयल रिफाइन हुआ गुजरात में। अब गुजरात में जो द्वारिका है वहाँ पर एक रिफाइनरी लगी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है रसिया का क्रूड ऑयल रिफाइन करने के लिए। दुनिया भर के अलग अलग देशों के क्रूड ऑयल को एक ही कोई रिफाइनरी रिफाइन नहीं कर सकती, जैसे कि जो इराक का क्रूड ऑयल है वो इंडिया की कुछ और रिफाइनरी रिफाइन करती हैं, और रूस का जो क्रूड ऑयल है वो कुछ और रिफाइनरी रिफाइन करती हैं। इंडिया में 20-21 रिफाइनरी लगी हैं और बढ़ ही रही हैं डे बाई डे। अब इसमें हुआ क्या कि इंडिया में इसको रिफाइन तो किया गया, और उसके बाद में फिर इसको यूएई भेजा गया, और यूएई से पाकिस्तान भेजा गया ताकि पाकिस्तान के लोगों को ये ना लगे कि ये जो क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आया है, जो पेट्रोल या डीजल हमारे यहाँ आया है, ये इंडिया से रिफाइन होकर आया है या इंडिया से सीधा सीधा आया है। और इसमें इंडिया ने क्या काम किया, $52 प्रति बैरल के हिसाब से रूस से इंडिया ने तेल लिया, और उसके बाद में $69 प्रति बैरल के रेट में पाकिस्तान को बेच दिया। $17 प्रति बैरल इंडिया ने मुनाफा कर लिया। ये बात लेकर पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही, खासतौर पे जो लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं। पाकिस्तान में कितने लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक्स आती होती तो उनकी इकोनॉमी डूब ही क्यों जाती। बट जिन लोगों को आता होगा 10-5% जो भी जैसे भी है, उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इंडिया ने इसमें कैसे कमाई कर लिया। और जो कि ये लाखों टन की बात है, और वो इसलिए इन द फ्यूचर और ज़्यादा इनका तेल खरीदना रहेगा रूस से, तो इंडिया इसमें फिर से पैसे कमा सकती है। अब इसमें होता क्या है, देखो शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके बहुत ज़्यादा ढोल पीटे थे कि भाई हमने जो वादा किया था नेशन से वो कर लिया, और हमने देखो सस्ते तेल खरीद लिए, और रूस ने जो इंटरनेशनल प्राइस है उससे 20% सस्ते रेट पे पाकिस्तान को क्रूड ऑयल बेचे भी थे। लेकिन क्रूड ऑयल बेचे थे ना, पाकिस्तान के पास तो ये तामझाम था नहीं। इंडिया में क्रूड ऑयल वो आया और यहाँ पे रिफाइन करके पेट्रोल बनाया गया या जो भी उसके प्रोडक्ट बनाए गए, वो फिर जाके दुनिया भर में भेजा जाता है। इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी बहुत भेजा है इंडिया ने, बहुत ज़्यादा चर्चा भी थी इस बात को लेकर। हालांकि लोग समझ नहीं पा रहे थे इस मामले में ट्विस्ट था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया भेज रहा था ये कुछ पहली बार नहीं था, बहुत पहले से भी इंडिया ऐसा करता आ रहा है, क्योंकि इंडिया कैपेबल है, इंडिया के पास ऐसी रिफाइनरीज हैं, इंडिया दुनिया में बेस्ट ऑफ बेस्ट रिफाइनरी लगा के बैठा है। तो ये कोई यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया नहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ को भेज रहा था, इससे पहले भी भेज रहा था, हालांकि जो स्केल था ये बढ़ गया यूक्रेन वॉर के बाद में, ये बात सही है, 2 गुना 3 गुना हो गया। अब आते हैं पाकिस्तान वाले मुद्दे पे। तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया से नफरत करने की वजह से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात से और कराची जाने में तो बहुत नज़दीक की बात थी, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये तेल आया जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस हुआ और यूनाइटेड अरब अमीरात गया, और वहाँ से फिर पाकिस्तान के कराची आया, ये एकदम बेवकूफ़ों वाली बात हुई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सब नॉर्मल बात है, क्योंकि उनके लिए तो ये सही है, ऐसा हुआ है। अभी क्या है, 55,000 टन फिर से लद के एक सिप पे आ रहा है तेल, और वो सिप भी इंडिया की है इस टाइम, और ये तेल ग्रीस से लदा है इस बार ओमान के जल क्षेत्र से नहीं लदा है, और ये भी आएगा गुजरात, और यहाँ रिफाइन करके फिर ही वही जाएगा और फिर पाकिस्तान के कराची आएगा। इंडिया तो इसमें पैसे कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबेसी बात है कि रूस भारत को डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहता था पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करके, इसीलिए पाकिस्तान को उसने सस्ते ऑयल भी बेच दिए, अपना जो पैसा कमाना है वो भी कमा लिया, डीडॉलराइजेशन भी कर दिया, चाइना का युआन भी चला दिया, और भारत को भी खुश कर दिया, रिलेशन भी मजबूत कर लिए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के पहले से उठाकर पाकिस्तान को अपने पहले में कर लिया। यही है ऑयल डिप्लोमेसी जो रूस कर रहा है, और इंडिया भी अपने हाथ खेल रहा है फ्रंट फुट पे आके। अब ये सब बात जब पाकिस्तान के जनता को पता चलेगी तो उनको लगेगा ये तो धोखा हो गया। देखो धोखा वाली कोई बात नहीं है, तो बिजनेस है, होता रहता है, और वैसे भी वो कहते हैं हमें इंडिया से कोई मदद नहीं चाहिए, तो ऐसा है कि
ऑलरेडी इंडिया से ये लोग मदद ले चुके हैं जब वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, हालांकि दूसरे तरीके से लिया था, उसको भी मानेंगे नहीं कि इंडिया से मदद लिया था, इसको भी मानेंगे नहीं कि हमने इंडिया से मदद लिया है। पहली बात तो कहेंगे जी ये तो न्यूज़ ऐसे ही है, और दूसरी बात कहेंगे हाँ तो कोई बात नहीं हमने पेमेंट कर दिया। और आपके पास है क्या जिस चीज़ के लिए आप पेमेंट करोगे या क्या खरीद सकते हो? बाकी आप इस मैप में समझ सकते हो कि किस तरह से ये हुआ है। प्रॉपर ये पूरी कंपनी है जो ये पूरा लोकेशन ट्रैक करती है शिप की, और उसने ये पूरा निकाला है। हुआ क्या है कि जब से रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ है तब से रसिया ने अपना जो ऑफिस है वो यूएई में खोल रखा है, जो एनर्जी नीड पूरी करने के लिए है, क्योंकि रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो सारी कंट्रीज डायरेक्टली रूस से बातचीत नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए रूस ने क्या किया है कि जो ऑफिस है ये यूएई में खोल रखा है। और दूसरी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान में जो तेल उसने बेचा उसमें दोनों में बहुत फर्क है। भारत ने रुपी में पेमेंट किया था, और ओबियसली भारत अब पेमेंट करने में अनेबल है, तो भी सरप्लस ऑयल है रसिया के पास में, तो सप्लाई देता रहेगा वो इंडिया को। इंडिया ऑयल के प्राइस कभी भी युआन और खाड़ी देशों के पैसे में नहीं पेमेंट करने वाला है। जो हथियार का मामला था वो रुका पड़ा हुआ है इंडिया का, क्योंकि उसके लिए रूस कह रहा है युआन में आप पेमेंट कर दो। बार्टर सिस्टम से भी काम उतना चल नहीं पा रहा है, क्योंकि रूस भी तो एक सोर्स रिच कंट्री है, उसके पास इतनी कुछ चीज़ों की कमी वमी है नहीं कि जो इंडिया प्रोवाइड करवा दे। गेहूँ भेज देगा, रूस के पास भी बहुत गेहूँ होता है, तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, इंडिया बनाता नहीं है जो रूस को चाहिए। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, लेकिन उसमें भी इंडिया अभी बहुत पीछे है। बहुत ज़्यादा इजी नहीं है कि कुछ सामान देकर कुछ सामान ले लो। ये इंडिया इराक के साथ कर लेता है, लेकिन सबके साथ नहीं हो पाएगा, और ईरान के साथ भी कर लेता है, कि उन लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है, इंडिया वो प्रोवाइड करवा देता है। मेन बात यह है कि पाकिस्तान के साथ प्रॉपर खेल हुआ है, और पाकिस्तानियों के साथ में, और इंडिया तो $17 प्रति बैरल कमा ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, और इंडिया इन द फ्यूचर भी कमाएगा, क्योंकि रूस इंडिया को अपसेट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान तो दो दिन के लिए उसका है, और कितना ही ऑयल खरीद लेगा, इंडिया के मुकाबले तो कभी नहीं खरीद सकता।